हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। तो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं सब बच्चे, क्योंकि हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था, उसके बाद हमने राधाष्टमी सेलिब्रेशन किया। ओके, एंड उसके बाद हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, तो हमारा जो संडे क्लास जो हम कर रहे थे वो हम रेगुलर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो बच्चे इस बार नए आए उनको हम बताना चाहेंगे कि हमारा भक्तिदास संडे स्कूल क्लास है, और ये एवरी संडे होता है 4 to 5 o'clock, 4 से 5 बजे तक होता है। एंड दिस क्लास इज फ्री फॉर एवरीवन, सबके लिए फ्री है। इसमें आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं इस क्लास के बारे में, अपने बहन भाई को बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, अपने रिलेटिव को बता सकते हैं। सारे बच्चे इस क्लास में आने के लिए इन्वाइट हैं, क्योंकि दिस इज अ फ्री फॉर एवरीवन एंड दिस इज ओनली फॉर किड्स। ओके, और बहुत जल्दी हम आपके पेरेंट्स के लिए भी अभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। ओके, तो हमारा ये जो क्लास है इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कीर्तन, देन वी आर डूइंग प्रेयर्स, देन वी आर डूइंग क्लास, और फिर क्वेश्चन आंसर। ओके, हम ये करते हैं, सबसे पहले हम कीर्तन करते हैं, फिर हम प्रेयर करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, फिर हमारा क्लास शुरू होता है, और फिर हम प्रश्न उत्तर देते हैं सबके। और सारे बच्चे हमारे बड़े सिंसियर हैं, सब बहुत समझदार हैं। ओके, तो हम अपना क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं आप सब सारे बच्चों को अभी अनम्यूट करने वाली हूँ। ओके, सॉरी, म्यूट करने जा रही हूँ, एंड देन मैं आपको एट द एंड, मैं आपको सबको लास्ट में अनम्यूट करूंगी, जिसका क्वेश्चन होगा वो बच्चे हैंड रेस करेंगे अपना। ठीक है, म्यूट इसलिए किया है मैंने ताकि हमारा क्लास कंटिन्यूअसली अच्छे से चल सके। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एवरीवन, और आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग जन्माष्टमी फेस्टिवल, इन राधाष्टमी फेस्टिवल। जन्माष्टमी फेस्टिवल के जो बच्चे थे, जो विनर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबको गिफ्ट्स पहुंच चुके हैं। राधा अष्टमी में हमने आपको बताया था कि वी विल प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट, तो हम आपको आज शाम तक हम राधा अष्टमी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर देंगे। आज शाम मतलब मेरी शाम, मैं यूके में हूँ तो मेरी शाम होगी आपकी रात को। तो हम जो रिजल्ट है वो आज शाम को अनाउंस करेंगे राधा अष्टमी का, और राधा अष्टमी के जो सर्टिफिकेट है वी विल सेंड यू वी व्हाट्सएप। ओके, हम व्हाट्सएप पे अपलोड कर देंगे और आप अपना अपना डाउनलोड कर सकते हैं। पूजिता, यू हैव अ क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, लेकिन मैं सबके क्वेश्चन लास्ट में लूंगी इसके बाद। ठीक है, अभी बीच में हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे। तो पूजिता, इज इट ओके इफ आई एम टेक योर क्वेश्चन इन द लास्ट, इज इट ओके? ओके, थैंक यू पूजिता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कीर्तन। ओके, तो आप क्या करेंगे, यू विल सिंग आफ्टर मी, पहले मैं गाऊंगी, मेरे बाद आप गाएंगे। और इफ पॉसिबल, अगर संभव है, प्लीज सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन रखिए, तो मुझे अच्छा लगेगा सारे बच्चे कितना फोकस करके क्लास को सुन रहे हो। ओके ओके, नमो विष्णु पदाय कृष्णा प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। गाइए, अब आपका टर्न है। ओके, मैं कीर्तन के लिए आपको अनम्यूट ऑप्शन दूंगी, आप लोग गाइए सब। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी, गौरवाणी प्रचारिणी पश्चात देश तारिणी। गाइए, पश्चात देश तारिणी, मेरे बाद गाना। ओके, यस, स्टार्ट। ओके, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आई कैन सी यू कि आप सब गा रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं।
Lord of the wind, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. ओके आई थिंक सब अपने आप को म्यूट कर लिए हैं. ओके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा मदन मोहन राधे. जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे. जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान. जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा. जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम. जय गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय. जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय. So let's start now prayers. Okay, so we will start prayers. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Mritam Yena Tasme Shri Guruve Nama Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadadi Svabhadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padkamlam श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहजन रघुनाथितम तम सजीवम स्वादितम सावधूतम परिजन सेतम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगलता श्रीकांतिकम. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा.
तो अभी हम सबको थैंक्स बोलेंगे जो बच्चे आज क्लास ज्वाइन किए. थैंक यू एवरीवन सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. तो हम कर रहे थे स्पिरिचुअल लेटर लैंड. जैसे हमारा स्पिरिचुअल लेटर क्या होता है, जैसे हमारा अल्फाबेट होता है इंग्लिश में ए टू जेड, सबको पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच. वैसे हमारा कृष्णा कॉन्शियस में, हमारी भक्ति में, हमारा स्पिरिचुअल लेटर लैंड है, मतलब आध्यात्मिक ए बी सी डी भी है. तो अभी तक हमने जो हमारा हम लास्ट वन ईयर से हम क्लासेस कर रहे हैं, हमने ए फॉर अर्जुना देखा, बी फॉर बलराम देखा, सी फॉर चैतन्य महाप्रभु देखा, डी फॉर दामोदर लीला देखा, है ना. ऐसे हमने बहुत सारे देख लिया. तो हम अभी तक कितना कर चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हमने एल तक, लक्ष्मण तक हमने कंप्लीट कर दिया था. आज हम करें एम, एम फॉर मृगारी द हंटर, ओके. एंड फिर हम नेक्स्ट करेंगे लेटर एन. तो आज हम लेटर एम कर रहे हैं, ओके. तो एम फॉर हमारी जो स्टोरी है आज की, वो है मृगारी द हंटर. मृगारी जो एक शिकारी था, हंटर में शिकारी, ओके. तो आप देख सकते हैं ये कौन है, सब जानते हैं. टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स. ये कौन है, सबको पता ये कौन है? नारद मुनि. वेरी गुड, ओके. सबको लिखना था, ओके. और ये नारद मुनि है, वेरी गुड. और ये है मृगारी जो शिकारी था, और ये कैसा था अभी हमें पता चलेगा, ओके. तो स्टोरी में आपको शेयर करने वाली बहुत अच्छी स्टोरी है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टोरी में. तो वंस द ग्रेट सेज नारद मुनि वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट नियर प्रयाग एंड सॉ दैट मैनी एनिमल्स वर लाइंग हाफ डेड. एक बार क्या होता है कि नारद मुनि जो है वो जंगल से जा रहे थे, प्रयाग के जंगल से, और वो देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे जानवर हैं, अधमरे हैं. अधमरे मतलब उनको किसी ने ऐसा मारा है, वो मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते, मतलब तड़प रहे थे सब, ओके. उनको सबने जख्मी कर दिया किसी ने. सीइंग द सफरिंग क्रिएचर्स ही क्राइड आउट, ओ दिस पुअर क्रिएचर्स आर इन सच पेन एंड सफरिंग, हु इज किलिंग दिस एनिमल लीविंग देम टू डाई इन दिस वे. बोलते ओ ये सारे जो प्राणी है, मतलब इन सब में जान है ना, प्राण है, तो ये प्राणी हुए, ये सारे एनिमल कैसे तड़प रहे हैं. उनको इतना दुखी थे कि नारद मुनि की आंखों में आंसू आ गए, वो भी रोने लग गए कि अरे ना तो इनको मारा है और ना इनको जिंदा रहने दिया है, किसने ऐसा बेवकूफ वाला काम किया, कौन इतना क्रूर हो सकता है, इतना निर्दयी कौन हो सकता है. तो उनको बड़ा दुख होता है सारे जानवरों को देख के. नारद मुनि फीलिंग वेरी सैड फॉर द वाउंडेड एनिमल्स क्योर देम एंड लेट देम फ्री. नारद मुनि उनको देख के बड़ा उनको दिल दुखी हुआ कि या तो उनको पूरा मार देते एनिमल को, या इनको पूरा जिंदा रखते, ऐसा क्यों कि इनको इतना जख्मी करके छोड़ दिया है. तब नारद मुनि करते हैं, नारद मुनि उन सब को, क्योंकि शक्ति नारद मुनि के पास जो करता है भक्ति, उस बात होती शक्ति, आपको पता है जो भक्ति करते उसका शक्ति आती है. तो नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि उन सबको अपने ताकत से, अपनी पावर से, सारे जो एनिमल रहते हैं सबको, सबके एनिमल के घाव को ठीक कर देते हैं, सारे एनिमल को हेल्दी कर देते हैं वो, और उनको फिर उनको जंगल में जहां उनका घर रहता है एनिमल का, वहां पे छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, ओके. एंड देन क्या होता है, ऑन सीइंग दिस मृगारी द क्रूअल हंटर हु हैड वाउंडेड द एनिमल shouted, hey, who's you said, how dare you do such a thing. इतने में क्या होता है, जब वो सारे एनिमल चल के जाने लगते हैं, ठीक होते हैं, खुशी खुशी दौड़ते हैं, तो जो हंटर होता है, जिसने इस एनिमल को सबको मारा होता है, उसका नाम होता है मृगारी, वो आता है और एकदम शॉक होता है, हाँ मैंने इन सारे एनिमल को तो मारा था एकदम ऐसे बुरी हालत में, अभी कौन है, तो चिल्लाता है, ए तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको ठीक करने की, मैंने इनको मारा था. टेल मी व्हाई हैव यू कम हियर व्हाइल आई एम हंटिंग, और तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमको पता नहीं मैं शिकार खेल रहा हूँ, कौन हो तुम, हु आर यू. तो नारद मुनि बोलते हैं, आई एम नारद एंड व्हाइल पासिंग दिस वे आई सॉ दिस हॉरिबल सीन, व्हाई हैव यू कमिटेड दिस हॉरिबल एक्ट्स एंड व्हाई डू यू नॉट किल द एनिमल्स कम्प्लीटली. नारद मुनि बोलते हैं, देखो भाई मेरा नाम है नारद मुनि, और मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने इतना भयानक दृश्य देखा कि सारे एनिमल क्या हो रहे हैं, तड़प रहे हैं,
मुझे बहुत बुरा लगा, तुम ऐसा पाप क्यों कर रहे हो? तुमको पता है जब हम किसी को दुख ही दुख देते हैं तो हमें पाप लगता है और तुम्हें भी पाप लगेगा, तुम ऐसे गंदा काम क्यों कर रहे हो? और तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम या तो उनको पूरा मार दो, तुमको मारना है शिकार खेलना है, या उनको मारो मत. Instinct only half killing them and leaving them to struggle in pain. This is very sinful. तुम्हें पता है किसी को तड़पाना वो तो और ही बुरा है, मारने से भी बुरा है किसी को तड़पाना. तो तुम उनको तड़पा रहे हो, ये तो बहुत गंदी बात है. तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा इसका, तुमको सजा मिलेगी. Mrigari said, My name is Mrigari and I have owned these animals. My father taught me to hurt them like this. When I see half-killed animals suffer, I feel great pleasure. मृगारी बोलता है, मेरा नाम मृगारी है और मुझे मेरा काम है सब सारे जानवरों को जख्मी करना, उनको तड़पाना. मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है ऐसे मारना, ना तो उनको मरने दो ना उनको जीने दो, और जब वो तड़पते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है. तब नारद मुनि बोलते हैं, नारद मुनि सैड, यस इट इज वेरी सिंपल. अच्छा फिर वो क्या बोलता है, मुझे तो बड़ा मजा आता है लेकिन मेरे पापा ने मुझे तो बताया नहीं ये सीनफुल है, ये पाप, इसको करने से पाप लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था. नारद मुनि बोलते हैं, हाँ तुम्हें नहीं पता, जब हम किसी को ऐसे चोट पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, तड़पाते हैं तो हमें पाप लगता है. दिस इज वेरी सीनफुल, यू विल हैव टू सफर वेरी मच फॉर इट. मृगारी बिकेम थॉटफुल एंड आस्क्ड, व्हाट शुड आई डू? नारद मुनि एडवाइज्ड हिम, If you stop hunting and killing animals and listen to my instruction, I shall tell you what is to be done. नारद मुनि बोलते हैं, हाँ अब तुमको पता चल गया ना कि जब हम ऐसा करते हैं तो कितना बड़ा पाप लगता है, तो अब तुम ऐसा मत करना. ओके तो फिर वो बोलता है, अच्छा फिर मैं क्या करूँ, अगर मैं शिकार नहीं करूंगा, एनिमल को नहीं मारूंगा जो मेरे पापा ने सिखाया है, तो मैं क्या करूंगा? और मैंने तो पहले बहुत सारे एनिमल को मारा है, तो मुझे उसका पाप लगेगा, मुझे पाप नहीं लगना है, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ. तो नारद मुनि बोलते ठीक है मैं तुम्हें इन सारे पापों से बचा सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरी सारी बातें मानना पड़ेंगी, तुमको मैं जो बोलूंगा तुमको वही करना पड़ेगा, और सबसे पहले तुमको सारे एनिमल को मारना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम एनिमल मारते हो फिर तुमको वापस पाप लगेगा. बोलता ठीक है मैं आगे सभी एनिमल्स को हर्ट नहीं करूंगा, मैं हंटिंग नहीं करूंगा, ना मैं किल करूंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा. तो बोलते हैं ठीक है. अरे सारे बच्चों को स्टोरी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? प्लीज रेज योर हैंड और ऐसे थम्स अप कि हाँ मैं माता जी हमको समझ में आ रही है. ओके थैंक यू वेदिका, थैंक यू आना, थैंक यू सुहानी, थैंक यू प्रियांशी, ट्रिप ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन. अब क्या होता है, वो बोलता है ठीक है मैं अब नहीं मारूंगा, थैंक यू पूजिता, एवरीवन थैंक यू सो मच, अगर मैं सबके नाम लूंगी तो हमारा क्लास मिस हो जाएगा. तो बोलता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एनिमल्स को नहीं मारूंगा और मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे आप सारे पापों से बचा लीजिए, मुझे पाप नहीं चाहिए. बोलते ठीक है. Mrigari protests, if I stop hunting now, shall I eat? Narad Muni said, do not worry, every living being in the universe is being maintained by the Supreme Personality. तो Mrigari बोलता है कि ठीक है मैं hunting करना छोड़ दूंगा, मैं animal को मारना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं खाऊंगा क्या? क्या खाऊंगा? मुझे खाना मिलेगा? और मुझे खाना कौन देगा बिना एनिमल को मारे, क्योंकि मैं तो नहीं कोई खाता हूँ मारने के बाद. तब नारद मुनि बोलते हैं, अरे भाई तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, जो भगवान है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, जो कृष्णा है, कृष्णा सबको खाना देते हैं, वो तो छोटी सी चींटी को भी खाना देते हैं, इतने बड़े एलिफेंट को भी खाना देते हैं, सारे बर्ड को खाना देते हैं. बर्ड किसी को मारता है? पक्षी किसी को नहीं मारते. चींटी किसी को मारती? चींटी किसी को नहीं मारती. एलिफेंट किसी को नहीं मारता है. सारी लिविंग एंटिटी को, छोटा बेबी है जो बोल नहीं सकता है, उसको ही भगवान उसके लिए फूड अरेंज करते हैं, वो अपनी मम्मा का दूध पीता है. तो सारे जितने भी प्राणी हैं, भगवान सारे सबके लिए, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे वो बेबी हो, छोटा सा बेबी है ना, न्यू बॉर्न बेबी, सबके लिए भगवान फूड अरेंज करते हैं, जो बेसिक नीड है भगवान उसको फुलफिल करते हैं. तो फिर वो बोलता है, अच्छा मुझे कैसे मिलेगा खाना? Just depend on the Lord and I shall provide you.
आई शैल प्रोवाइड यू विद फूड. बोलते हैं कि बस तुम भगवान पर निर्भर, तुम भगवान पर विश्वास रखो, भगवान से प्रे करो और जो भगवान बोलते हैं उसको फॉलो करो. तुम देखो तुमको खाना भी मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा और तुम्हें मैं तुम्हारा भोजन मैं अरेंज करूंगा. सबको समझ में आ रहा है ना मृगारी का स्टोरी का चल रहा है? मृगारी अग्रीड. ऑल राइट, इफ यू गिव मी फूड आई कैन गिव अप हंटिंग एंड किलिंग एनिमल्स. नारद मुनि देन रिप्लाई रिक्वेस्टेड मृगारी टू सिट डाउन ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड चैंट हरे कृष्णा बिफोर अ सैक्रेड तुलसी प्लांट. अपॉन सीइंग मृगारी सिटिंग एंड चैंटिंग पीसफुली, अब क्या हुआ? मृगारी बोलता है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बिना कुछ किए मुझे भोजन मिलेगा. तो बोलता है ठीक है तो मैं आज से एनिमल को मारना बंद कर दूंगा क्योंकि एनिमल को मारने से पाप लगता है और मैं आज से मारूंगा भी नहीं, उनको जख्मी भी नहीं करूंगा. और वो बोलते हैं नागमुनि तो तुमको क्या करना है अभी, तुम जाओ गंगा में स्नान करो, गंगा नदी में जाके उसके किनारे बैठो और तुमको चैंटिंग करना है. कैसे चैंटिंग करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तुमको ये चैंटिंग करना है ठीक है. तो जब तुम ये चैंटिंग करोगे तो क्या होगा, तुमको ये चैंटिंग करोगे तो कृष्णा बहुत हैप्पी होंगे. तो बोलता ठीक है मैं ऐसे करूंगा. और वो जब तुम चैंटिंग करोगे तुम्हारे सामने तुमको क्या करना है, तुलसी महारानी के सामने माला करना है. जब आप मंदिर जाओगे ना आप देखोगे सारे डिवोटी तुलसी महारानी के सामने बैठ के चैंटिंग करते हैं. तो वो फिर वैसे ही करता है, वो नदी किनारे जाता है, गंगा में स्नान करता है, वहां किनारे पे बैठता है, माला करना शुरू करता है. वो सारे गांव वाले देखते हैं हाँ इसको क्या हुआ, मृगारी सुधर कैसे गया, ये तो एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये तो भगवान का नाम जप रहा है और ये शोर भी नहीं मचा रहा है, झगड़ा भी नहीं कर रहा है. तो सारे गांव वाले बड़ा खुश होते हैं, बड़ा खुश होते हैं उसको देख के कि अरे ये तो पूरा सुधर गया है, इतना अच्छा बन गया है. तो वो लोग क्या करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि देखते हैं भगवान की भक्ति कर रहा है. तो फिर गाँव के लोग कोई उसको चावल दे के जाता है, कोई दाल दे के जाता है, कोई खीर दे के जाता है, कोई फल दे के जाता है, कोई दूध दे के जाता है. और धीरे 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 मृगारी के पास मृगारी सब खाता भी रहता है, भक्ति करता है खाता है, भक्ति करता है खाता है. मृगारी के पास ढेर सारा खाना हो जाता है, ढेर सारा फूड हो जाता है. और सोचता अरे मैं क्या करूंगा इतना सारा खाना इकट्ठा हो गया, मैं क्या करूं. तो नारद मुनि को बोलता है, नारद मुनि को बोलता है, उसको लगता है नारद मुनि सब कुछ भेज रहे. बोलता है नारद मुनि मुझे इतना सारा फूड क्यों भेज रहे, इतना सारा प्रसादम तो मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ, इतना सारा फ्रूट, इतनी सारी चपाती, इतना सारा दाल, इतना सारा राइस. तो वो क्या करता है, जो इतना सारा फूड इकट्ठा होता है ना प्रसादम, वो सबको गरीब लोगों को बांटना शुरू कर देता है. अब सब लोग होते हैं अरे वाह 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 मृगारी तो कितना अच्छा हो गया, अपनी चीजों को भी शेयर करने लग गया है. अब क्या होता है, अब ऐसा ही रोज होता है, मृगारी रोज चैंटिंग करता है, रोज बात लेता है गंगा में और रोज सबको प्रसादम बांटता है. अब कुछ दिनों बाद नारद मुनि अपने दोस्त पर्वत को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा एक बहुत अच्छा शिष्य है, मेरा स्टूडेंट है, मैं तुमको उससे मिलवाता हूँ. लेकिन वो पहले शिकारी था लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया है. बोलते चलो चलते हैं और देखते हैं अभी पर्वत, तो पर्वत बोलते चलो चलो चल देखते हैं अभी अभी तुम्हारा जो मृगारी है कैसा है. तो फिर मृगारी बहुत सुधर गया था. तो फिर मृगारी के घर पे जाते हैं, देखते हैं मृगारी तो अब एकदम अच्छा हो गया है. और जब मृगारी देखते हैं नारद मुनि आ रहे हैं किसी को लेके, तो बड़ा खुश होकर उछलता उछलता आता है, वो उछलने लगता है. तो अब क्या होता है, नारद मुनि का करता है कि उनको जैसे देखता है, देखो यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ है कि नारद मुनि दो साधु को लेके आए हैं और ये जो मृगारी है ये प्रणाम कर रहा है. तो मृगारी क्या करता है, प्रणाम करता है. तो वो एकदम प्रणाम करता है और अपनी धोती से पहले फर्श को थोड़ा क्लीन करके फिर ऐसे प्रणाम करता है और हल्के से ऐसे हाथ से करता है, क्रॉलिंग ऐसे ध्यान से चलता है. तब नारद मुनि बोलते हैं कि मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम आए, तुमने मुझे प्रणाम किया, लेकिन तुम उछल उछल के क्यों आए. तो मृगारी बोलता है कि नारद मुनि जी क्योंकि जब मैं आ रहा था रास्ते में बहुत सारी चींटियां थी, तो मैं नहीं चाहता कि चींटियां मेरे पाँव से दब के मरे, इसलिए मैं उछल उछल के आ रहा था, जहाँ चींटियां मैं पैर में रखकर जंप कर रहा था. तो नारद मुनि और पर्वतराज बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे
ये इतना बदल गया कि अभी चाहता है कि मेरे चलने चींटी भी नहीं मरे। सोचो हम जब चलते हैं रास्ते में, हम उछल के चलते हैं, नहीं ना, हम तो नॉर्मल वॉक करते हैं, तो हमारे पाँव में कितने सारे कीड़े मर जाते हैं। लेकिन मृगारी उछल के चलता है, तो नारद मुनि जी बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, भक्ति से इतना चेंज हो गया। तो दिस वॉज द वेरी मैन हुआ शॉर्ट टाइम बिफोर हैड बीन कॉजिंग सफरिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल, येट नाउ ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू किल इवन एन एंट। तो हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो पापी था वो भी भक्ति से पूरा चेंज हो गया और अब वो चींटी को भी नहीं माना जाता है। Does anyone who engages in the devotional service of the Supreme Lord Krishna under the guidance of a genuine devotee of the Lord, then good qualities automatically develop in such a person. So, जो भी बच्चा, जो भी बेबी, जो भी पर्सन भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसकी सारी बैड क्वालिटी को खींच लेते हैं और सारी गुड क्वालिटी उसके अंदर डाल देते हैं, जादू कर देते हैं। पहले एक पेंसिल शकलक बुम बुम, पता है आपको, एक जादू वाली पेंसिल आती शकलक बुम बुम, आप जो भी ड्रॉ करोगे वो आपके सामने आ जाएगा। तो जब हम चैंटिंग करते हैं ना कृष्णा की, तो जादू होता है, सारी बैड क्वालिटी हमें से कृष्णा खींच लेते हैं और सारी गुड क्वालिटी हमें डाल देते हैं। तो लेट्स सी कि इस स्टोरी का मॉरल वैल्यू क्या है, हम देखते हैं। द मॉरल वैल्यू ऑफ टुडे स्टोरी इज वन मस्ट नॉट हार्म एनी लिविंग एंटिटी। तो हमें किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड मॉरल क्वालिटी इज All good quality automatically develop in a person who engages in develop devotional service of the Lord. तो जो भगवान की भक्ति में लग जाता है तो क्या होता है, उसकी सारी बैड क्वालिटी दौड़ 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 करके भाग जाती हैं। तो हम सबको भी क्या करना है, चैंटिंग करना है। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी मैं आपको मैं चांस दूंगी, सबको शॉर्ट में स्टोरी बताना है, थोड़ी थोड़ी बताना है वन बाय वन, और आपने क्या सीखा। ओके, तो रेज योर हैंड, कौन मुझे स्टोरी बताएगा। ठीक है, सबको थोड़ी थोड़ी बताना है। सबसे पहले जीत को मैं चांस दूंगी। ओके जीत, तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, तो जीत आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना है, बाकी स्टोरी बाकी बच्चे बताएंगे। ओके जीत, लेट्स स्टार्ट। माता जी हरे कृष्णा, ये एक हरे हंटर की स्टोरी है। तो वो है ना, जानवरों को मारता था। एक बार नारद मुनि ने देखा, तो नारद मुनि ने कहा कि ये ऐसा कौन मूर्ख है जिसने इनको ना जीवंत छोड़ा ना मारा, इनको तड़प रहे थे वो। तो नारद मुनि ने कहा कि इनको मरते हुए भी नहीं छोड़ा, इनको ऐसे भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि फिर नारद मुनि उन सबको ठीक कर देते हैं और फिर वो उनके प्लेस पे जहाँ वो रहते हैं सब जानवर वहां उनको पहुंचाते हैं। तो जब तक वो हंटर उनको देख लेता है। अभी आपको यही स्टॉप करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट पूजिता बताएंगे। ओके पूजिता, फिर क्या होता है बता जी। आफ्टर दैट देन द नेक्स्ट पार्ट इज द व्हेन नारद मुनि गोस टू मृगारी केम देयर एंड देन ही स्टार्टेड शाउटेड टू नारद मुनि। या स्टार्ट, यस पूजिता। देन ही व्हेन ही शाउटेड नारद मुनि he asked Narad Muni, how dare you do this? Why are you doing this? He asks, and then Narad Muni says, why are you doing this? Why are you hurting the animals? And instead of killing the animals completely, why are you half killing the animals? Narad Muni asks. And then Murli said to Narad Muni that, I feel it's a pleasure. I feel very pleasureful whenever I kill an animal in half. My father taught me how to kill animals in half killing animals. Okay, now anybody wants to speak? और कोई बताना चाहेगा हिंदी या इंग्लिश में क्या होता है जब वो फिर क्या नारद मुनि इसको क्या बोलते हैं? किसी ने हैंड रेस्ट नहीं किया। Okay.
विधि का आप बताओगे आना, फिर क्या होता है? आरवी, जानवी, और क्यों बताएंगे? Anyone want to speak the story? पूजिता ने अगेन हैंड रेस किया है. पूजिता का आपका क्वेश्चन है तो हम बाद में लेंगे. प्रियंशी, अवनीश, पद्मा प्रियदर्शनी, एनीवन, सुहानी. ओके पूजिता, यस. माताजी, कैन आई टेल द मोरल ऑफ द स्टोरी? या, टेल मी. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड नेवर हार्म एनिमल्स एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ एनिमल्स. यस, एंड सेकंड वन, when we are chanting holy name of Krishna, then what happen? Krishna will take away the all the obstacles, all the obstacle and bad quality from us and give us all good qualities. Okay. So abhi hum karenge value story, M for Maya, illusion. Okay, to ye bhi badi pyari story hai. So ready, aap sab ready hai? Raise your hand jo jo story ke liye ready hai. फिर हम एक गेम खेलेंगे एंड में. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, तो अब एम फॉर माया. माया मींस इल्यूजन. इल्यूजन मतलब अब हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, हम लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सब कुछ और इमेजिनेशन करते रहते हैं, हमको कंफ्यूज. कभी कभी क्या होता है, दिन में बादल हो जाता है, तुमको लगता रात हो गई है ना, और कई बार वॉल के पीछे हम देख नहीं पाते, हमें लगता हम वॉल के पीछे कुछ है नहीं. मतलब चीजें हैं लेकिन हम कुछ और समझ जाते हैं उसको, वो तो इल्यूजन, कंफ्यूज हो जाते हैं हम. ठीक है, तो द स्टोरी है एम फॉर माया, द क्वींस नेकलेस. तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी, फिर हम खेलेंगे गेम. ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वेरी पावरफुल किंग हु हैड एन इक्वली क्वालिफाइड सन. ही गॉट द प्रिंस मैरिड टू an extremely beautiful princess. On the day of the marriage, the prince presented a diamond necklace worth 2 crores of his wife as a gesture of his love for her. The young queen loved this necklace very much and she would always wear it around her beautiful neck. So kya hota hai, ek bar ek bahut sundar powerful raja rehta hai aur uska ek bahut honar beta rehta hai. तो जो बेटे की शादी हो रही होती है उसके लिए बहुत सुंदर राजकुमारी ढूंढ के लाते हैं, राजकुमार के लिए. तो उसकी शादी वाले दिन जो जो राजकुमारी होती है उसको क्या देते हैं, राजकुमार 2 करोड़ का डायमंड नेकलेस देता है. 2 करोड़ का डायमंड नेकलेस, बाबा रे मेरे पास तो नहीं है. ओके, और रानी वो नेकलेस को देख के, देखो कितना सुंदर नेकलेस है, देखो देखो सब लोग कितना सुंदर हार है 2 करोड़ का. तो रानी ये नेकलेस देख के बड़ी खुश होती है, बड़ी खुश होती है, और वो हमेशा उस नेकलेस को पहन के झूमती है, नाचती है और हैप्पी हैप्पी रहती है. वो उसको बड़ा पसंद होता है नेकलेस हमेशा. वन डे व्हेन शी वाज ड्रेसिंग अप, शी हैज केप्ट द नेकलेस ऑन द विंडो सिल. सडनली अ क्रो अपीयर्ड ऑन द सीन एंड फ्लो अवे विद द नेकलेस. क्राइंग एंड क्राइंग शी रिक्वेस्टेड द प्रिंस, आई विल नॉट एक्सेप्ट द नेकलेस वर्थ ₹10 crores in exchange for the necklace. I am very much attached to that particular necklace because you gave it to me on our marriage day. If you do not get me the necklace, I will drown myself and die. अब क्या होता है, एक दिन उसको अपना ड्रेसिंग, वो अपना अच्छे से ड्रेसिंग कर रही होती है नहाने के बाद और अपने आप को तैयार कर रही होती है, तो इतने में क्या होता है, उसने ना अपनी खिड़की पे वो नेकलेस टांगा रहता है और एक कौवा आता है और वो नेकलेस को लेकर उड़ जाता है. अब रावो क्वीन इतना रोती है, मेरा नेकलेस, हाय रे मेरा नेकलेस, कोई ला दो रे, अरे बाबा रे उड़ गया. वो बहुत रोने लगती है, बहुत रोती है, और फिर वो राजकुमार के पास जाती है, बोलती है मुझे ही नहीं पता, मुझे मेरा नेकलेस ला के दो मुझे. वो बोलता है अरे भाई वो तो बर्ड लेके उड़ गया है, अब थोड़ा ना आ सकता है. बोलता तुमको मैं कोई बात नहीं, 2 करोड़ का नेकलेस मैं 10 करोड़ दूंगा. बोलती है मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे मेरा नेकलेस चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद था क्योंकि तुमने मुझे वो मेरी शादी पे दिया था, और अगर तुम मुझे उसको वापस ला के नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी. राजकुमार बोलता है भगवान, द प्रिंस प्रनाउंस्ड
a reward. Anyone who bring back the queen's necklace will be given a prize of 10 crores. Everyone in the kingdom became excited and wanted to get the prize. One day, a young man saw a bright object that looked like the queen's necklace in a small pond of water. He became very excited and entered the pond to retrieve the necklace. Soon he realized, alas, alas, there is quicksand beneath the water and I am being sucked in. As he was about to get his hand to the necklace floating on the surface of the water, the necklace moved further away. At the same time, he was being sucked in quicksand. अब क्या होता है? तो फिर राजा तो बोल वो जो राजकुमार रहता है रानी बोलती है कि अगर राजकुमारी बोलती है अगर तुमने मुझे नेकलेस दिया मैं मर जाऊंगी मुझे मेरा नेकलेस चाहिए चाहिए तो फिर राजा पूरे जो अपने राज्य में क्या करता है अपने किंगडम में अनाउंसमेंट कराता है सुनो 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 जो राजकुमारी का नेकलेस लेकर आएगा उसको मैं 10 करोड़ रुपीज इनाम में दूंगा सब बड़े खुश रहते हैं सारी जो ऑडियंस है सारी जो पब्लिक है ना प्रजा खुश होती है अरे 10 करोड़ मिलेंगे सब लोग रानी का नेकलेस ढूंढने लगते हैं तो एक दिन एक लड़के को नेकलेस दिखता है उसको क्या एक तालाब में कुछ चमकती चीज दिखती है तो रानी का नेकलेस है तो कूद जाता तालाब में ढूंढने के लिए तो जैसे वो पकड़ने जाता है उसका पैर दोनों रेत में फंस जाते हैं और नेकलेस और दूर बह के चला जाता है और वो बेचारा बुरी तरह से क्या होता है उस तालाब में फंस जाता है बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकल के आता है He kept trying to retrieve the necklace from the morning till late evening. Every time he tried to get to the necklace, it would flow further away from him and quick and would try to drown him. Luckily, a sage came along that road. Although the boy was trying to hide it, would flow further away from him and the quick sand would try to drown him. अब क्या होता है? अब वो लड़का रोज उस तालाब पे जाता है सुबह से शाम तक ट्राई करता है उस नेकलेस को निकालने के लिए लेकिन जैसे वो नेकलेस पकड़ने आता है नेकलेस उसके हाथ से छूट के चला जाता है कभी उसकी टांग फंस जाती है कभी उसका हाथ फंस जाता है कभी डूबते डूबते मरता है वो रोज ट्राई करता है लेकिन किसको बताता नहीं है कि मैं क्यों यहाँ पे आता हूँ क्योंकि उसको लगता है अगर मैं बताऊंगा दूसरे लोग आएंगे नेकलेस ले जाएंगे उनको 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो एक बार क्या होता है एक वहां पे मुनि एक साधु वहां से उस रस्ते जाता है तो जो लड़का रहता है वो एक्टिंग करता है कुछ और करने की वो उसको लगता है अगर इस मुनि को पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस नेकलेस को ले रहा हूँ तो फिर ये मुनि राजा को दे देगा और उस मुनि को पैसे मिल जाएंगे लकड़ी सेज कम अलोंग दैट रोड ऑल्दो द बॉय ओके हु लुक टायर्ड It seems that you have been working hard since morning. The boy replied, No, I am not doing anything here. I have just come interesting on the surface of this pond. The sage could easily recognize that the boy's plight and promised, My dear child, I only want to help you. I don't want anything from you. Tell me what is your problem. The boy pointed at the shining necklace. Ab kya hota hai wo Narad Muni aate bolte hai, Are? तुम बड़े थके दिख रहे हो बड़े परेशान दिख रहे हो क्या हुआ क्या हुआ लड़का बोलता है नहीं मैं तो बड़ा खुश हूँ मैं तो यहाँ तालाब के किनारे आराम कर रहा हूँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलते हैं देखो बेटा मैं तो मुनि ठहरा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तो एक सन्यासी हूँ तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तब वो लड़का बोलता है वो इशारा करता है कि मुझे वो नेकलेस चाहिए ऐसे इशारा करता है Every time I enter the pond, mysteriously the necklace moves away by the waves and because of the quicksand, I cannot remain in the water for a long time to get the necklace. अब वो बताता है कि ये जो necklace पड़ा है ना पानी में मैं जब भी इसको छूने जाता हूँ पता नहीं एक जादू होता है और ये necklace मेरे हाथ से छूट के दूर चला जाता है और मैं पानी फंस जाता हूँ Please, please साधु जी मुझे necklace ला दो मैं राजा को दूंगा राजा मुझे 10 करोड़ रुपीज देगा तब क्या होता है कि नारद मुनि बोलते हैं वो नारद मुनि नहीं सॉरी वो जो साधु रहता होता है तो ये प्रॉब्लम है कि जब भी तुम उस नेकलेस को पकड़ने जाते हो तो क्या होता है कि वो दूर चला जाता है और फिर तुम फंस जाते हो
The intelligent sage replied, "My dear son, you are searching for the right thing, but in the wrong place. Just look up. The necklace is actually hanging from the branch of the tree where the crow left it, and you were only trying to catch its reflection. So who could ever get it?" बोलता, ओ बेटा जी, तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन तुम कोशिश तो बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो. बोलता, क्या? बोले, बेटा ऊपर देखो, ऊपर ऊपर पेड़ है, पेड़ के ऊपर नेकलेस टंगा हुआ है, और ये नीचे रिवर है, और ये पेड़ का और नेकलेस का रिफ्लेक्शन, इसका प्रतिबिंब, इसकी जो परछाई है, आपने देखा है नदी किनारे कभी गए हो? ऊपर अगर पक्षी उड़ता है तो नीचे, आप घर में करना है, टब भरना, टब में भरना और देखना टब में क्या दिखेगा जो ऊपर रहेगा. अगर आपने, आपके ऊपर छत पे पंखा है तो टब में पानी भरो, पंखा नीचे दिखेगा. तो वैसे ही नेकलेस क्या होता है, जो कौवा रहता है उस नेकलेस को पेड़ पर टांग के चला जाता है, और वो लड़का क्या करता है, वो लड़का पानी में जो नेकलेस का जो परछाई है, परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है. जब हम परछाई को पकड़ेंगे पानी में, परछाई दूर भाग जाएगी. तो लड़का बोलता है, हे भगवान, एक महीने से मैं इसको पकड़ रहा हूँ, नेकलेस तो ऊपर है. तो हम सब भी ऐसे करते हैं. आप बोलोगे, माता जी हम तो नेकलेस नहीं पकड़ते, लेकिन हम सब भी क्या करते हैं, हम कुछ गड़बड़ करते हैं. लेट्स सी, एज वन कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्री इन द वाटर ऑफ अ रिवर और पॉन्ड, द मटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. हम कैसे करते हैं, हम भी उस लड़के की तरह बुद्धू हैं. हम कैसे हैं, ये जो वर्ल्ड है जहाँ हम रहते हैं ना, कोई उज्जैन रहता है, कोई भुवनेश्वर रहता है, कोई बैंगलोर रहता है, कोई लंदन रहता है, कोई यूके रहता है, कोई स्कॉटलैंड रहता है, हम ये मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं. लेकिन जो रियल वर्ल्ड है जहाँ कृष्णा रहते हैं, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो बहुत ऊपर है. हमें लगता है, ओ आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खाएंगे को मजा आएगा, लेकिन क्या होता है, हम आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ी देर में मजा चला जाता है. लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम अपने आप को वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं. तो हम भी उस, हम भी क्या करें, उस बॉय की तरह इस वर्ल्ड में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिफ्लेक्शन ट्री प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल ट्री, सिमिलर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड सच व्हिच इज लाइक अ टेंपरेरी सोर्स. ओके, तो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही, जैसे क्या है कि वो एक हार का रिफ्लेक्शन देता है यहाँ पे, वैसे इस जो रियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन यहाँ पे, हम सब यहाँ पे फंस गए. हम भगवान को भूल के यहाँ पे आए थे, हम भगवान को परमानेंटली भूल गए हैं. जब हम चैंटिंग करते हैं भगवान को, हमको याद आते हैं, हमको रियल इंजॉयमेंट मिलता है. तो ये था स्टोरी. ओके, तो आज हमने दो स्टोरी कवर की. अब है क्वेश्चन आंसर. तो पहला क्वेश्चन है, मृगारी कौन था, मृगारी क्या करता है, हु वॉज मृगारी. अपने हैंड रेस कीजिए या तो वीडियो में बताइए कौन आंसर देना चाहेगा, मैं आपको अनम्यूट का. वेदिका आप बताओगे मृगारी कौन था? चलो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ मृगारी कौन था. ओके, आना आना, यस आप बताइए मृगारी कौन था. मृगारी वाज अ हंटर. यस ही वाज अ हंटर, वेरी गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी किसी और को चांस देंगे. पूजिता जीत के अलावा आरवी को देखते हैं. आरवी बताओ, हाउ ही यूज टू किल एनिमल, वो कैसे जानवर को मारता था, कैसे मारता जानवर को. आरवी बताओ, संस्कृति आप बताओ, प्रियांशी आप बताओ, सुहानी आप बताओ, और कौन है, पद्मा, इतने सारे बच्चे हैं, जानवी बताओ, वो कैसे मारता जानवर को. सार्थक, वेरी गुड सार्थक, चलिए आप बताइए. मारता था, कैसे करता था, हाफ किलिंग, आधा मारता था आधा छोड़ देता था, है ना, उनको जख्मी करके छोड़ देता था. ओके ओके, हु मेंटेन्स एवरी लिविंग बीइंग, इस पूरे वर्ल्ड में कौन सबकी रक्षा करते हैं, कौन सबको खाना पीना देते हैं, सबकी केयर करते हैं. ओके, अभी देखते कौन आंसर देगा. ओके, आरवी आंसर देंगे. ओके चलो अनम्यूट करो. यस कृष्णा, वेरी गुड, सब कुछ कृष्णा मेंटेन करते हैं, वेरी गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बोल आंसर देंगे. व्हाट डिड मृगारी डू आफ्टर गिविंग अप हंटिंग, हंटिंग छोड़ने के बाद, शिकार छोड़ने के बाद मृगारी क्या करने लग गया था, नारद मुनि ने क्या बोला उसको करने को. रेज योर हैंड. संस्कृति,
कौन जवाब देगा? हाथ खड़ा कीजिए, या तो आप वीडियो में हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, सुहानी ने किया हाथ खड़ा। यस सुहानी, करो। चैंटिंग करता था। कैसे करता था बताना पड़ेगा ना आपको पूरा, कहाँ जाके करता था? गंगा। अच्छा देखते कौन बताता है, फिर मैं बताऊंगी, कोई नहीं बता पाएगा। तो वेदिका आप बताओगे वो क्या करता था? गंगा में जाके स्नान करता था नदी किनारे, और फिर नदी किनारे वहां तुलसी प्लांट के सामने चैंटिंग करता था। कैसे चैंटिंग करता था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे चैंटिंग करता था। ओके, व्हाट डिड मृगारी डू आफ्टर गिविंग अ घंटी? ओके, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ओके, स्टोरी का मोरल क्या था? इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला? रेज योर हैंड, देखते ये आंसर कौन देगा, नया बच्चा। वेदिका, हमको क्या सीखने को मिला इस कहानी से? अनम्यूट करो अपना माइक बेटा। हाँ वेदिका, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो वेदिका। ठीक है, कौन बताएगा? आरवी आप बताओगे हमने क्या सीखा इस स्टोरी से? संस्कृति आप बताओ। माता जी, किसी भी निर्दोष प्राणी को मारना नहीं चाहिए। परेशान नहीं करना चाहिए। और जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे में गुड क्वालिटीज अपने आप आती है, बैड क्वालिटी सारी भाग जाती हैं। वेरी गुड। तो नाउ यार हमने दो दो स्टोरी ली। एक और बड़ी स्टोरी है बहुत अच्छी, गांव ने की प्राणों की रक्षा, गाय माता ने की रक्षा की। तुम देखें कैसे गाय माता ने प्राणों की रक्षा की, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इसके पहले किसी कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप अपने हैंड रेस कर लीजिए। कोई डाउट है किसी को फर्स्ट स्टोरी में? ओके, रोहित के सरल मन में उठने वाले सरल प्रश्नों को। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। जो रोहित ना बहुत सिंपल बेबी था, तो रोहित है, और रोहित बहुत सारे क्वेश्चन करता था। उसके सारे फ्रेंड बड़े परेशान थे कि रोहित कितने क्वेश्चन करता है। तो एक दिन रोहित बोलता, अरुण बताओ, जो मदर का, हम गाय को हम माता क्यों बोलते हैं, माँ क्यों बोलते हैं, व्हाई वी आर सैड लाइक मदर काओ? तो अरुण बोलता, अबे बुद्धू रोहित, तुम्हें पता नहीं गाय हमको दूध देती है, इसलिए हम गाय को मदर काओ बोलते हैं, माँ बोलते हैं। तो फिर रोहित मजाक करने लगे, हेलो कि दूध देने वाली भैंस आ गई। बोला ठीक है, भैंस भी दूध देती है, तो भैंस को माँ थोड़ी ना कहते हम लोग। तो बोलता है भगवान, रोहित बोलता है, अरुण बोलता है, अरे भगवान, भैंस को माँ नहीं बोलते हैं, भैंस माता थोड़ा ना बोलते हैं, गाय माता बोलते हैं। तो वो बोलता है, क्यों, भैंस भी तो हमें दूध देती है, फिर उसे माँ क्यों नहीं कहते? माँ का पता तो गाय को मिल गया, फिर भैंस को माँ कैसे कहेंगे? तो अरुण बोलता है, अरे माँ सिर्फ एक ही होती है, जैसे हमारे घर में एक माँ है, वैसे पशुओं में भी जो हमको दूध देता है वो माँ गाय है, बाकी हम भैंसों को नहीं बोलेंगे। तो वो रोहित बोलता ठीक है, तो फिर भैंस को मौसी कहेंगे? सब लोग हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ, भैंस मौसी, ऐसे कौन बोलता है। फिर बकरी देखते हैं रोहित और अरुण सब फ्रेंड के साथ आगे जाते, बकरी देखते हैं, बोलते देखो बकरी माँ। बोलता है, अरे भाई बकरी नहीं को माँ नहीं बोले, सिर्फ गाय को माँ बोलते हैं, ठीक है, बकरी को भी मौसी बोलेंगे। तो फिर क्या होता है अरुण, तो फिर अरुण समझ जाता है कि रोहित को मुझे समझाना पड़ेगा कि हम क्यों गाय को माँ बोलते हैं, हम ना तो बकरी को माँ बोलते, ना भैंस को माँ बोलते, गाय क्यों स्पेशल है। तो बोलते चलो रोहित, अब सब अरुण के सारे दोस्तों को लेके, रोहित को लेके
एक ग्वाले के पास जाता है, ग्वाला जो गाय चराता है, तो बोले चलो श्री राम ग्वाले से पूछते हैं, बोले चलो हम ग्वाले के पास जाते उससे पूछते हैं कि गाय को माँ क्यों बोलते हैं। तो दामू भैया गाय को माँ क्यों बोलते हैं। तो फिर जो ग्वाला रहता है दामू बताता है, एक दिन की बात है मैं गाय भैंस बकरे को चरा रहा था, एक दिन क्या है मैं रोज ऐसे गाय बकरी भैंस को चराने के लिए जाता मैं गया था, और अचानक से एक दिन क्या हुआ एक शेर आ गया और उसने मेरे पे अटैक कर दिया, मैं चिल्लाने लग गया बचाओ 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 बचाओ। और फिर क्या हुआ पता है, फिर सारी बकरियां भाग गई, सारी भैंसे भाग गई, लेकिन जो गायें थी सारे गांव ने मेरे आसपास क्या किया एक सर्कल बना लिया, मेरे को बचा लिया, सारे गांव ने मेरे को बचा लिया, कुछ गायें घायल भी होगी। और शेर ने क्या किया, शेर को गुस्सा आया और उन्होंने शेर ने अपने पंजे से ऐसे गाय के ऊपर स्क्रैच कर दिया, और भी देख रहे हो आपको कैसे उनको ब्लड हो रहा है, गाय को ब्लड आ रहा है। लेकिन गायें सारी गाय ने क्या किया अपने सिंह से शेर की पिटाई की और जो शेर है उसको भागना पड़ा। फिर क्या हुआ, इस तरह से गायें सारी गाँव ने मिलकर मेरी रक्षा की। इसलिए जो माँ होती है जब एक छोटा बेबी कहीं खो जाता है या बेबी कुछ होता है, माँ अपने बेबी की रक्षा करती है, ऐसे गाय हमारे प्राणों की रक्षा करती है, हमारे साथ प्रोटेक्शन करती है, इसलिए हम गाय को माँ बोलते हैं। तो रोहित बोलता अरे वाह वाह, अरुण बोलता अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम गाय को माँ बोलते हैं। बछड़े को संस्कृत में वत्स कहते हैं। और फिर ग्वाला बोलता है जो बछड़ा होता है ना गाय का, जो बेबी होता है छोटा गाय, उसको बोलते हैं वत्स, और वत्स से बना है वात्सल्य, और वात्सल्य से बना है माँ का प्रेम, इसलिए हम गाय को बोलते हैं गाय माता। बोलो गाय माता जी की जय। हम सबको गाय माता जी को रोटी खिलाना चाहिए। आप लोग खिलाते हो रोटी, आप लोग फीड करते हो गाय माता को, गाय माता हमको दूध देती है, आप लोग उसको रोटी खिलाते हो? कौन कौन बच्चा गाय जी को, गाय माता को रोटी खिलाता है रोज सुबह या रोज शाम को? हमको गाय माता को रोटी खिलाना चाहिए। यहाँ तो यूके में गाय होती नहीं है, मिलती नहीं है, तो हम नहीं रोटी खिलाते, लेकिन जब मैं उज्जैन में थी मैं रोज गाय को रोटी खिलाती थी अपने हाथ से। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू टेकिंग योर क्वेश्चन आंसर, गोइंग टू अनम्यूट यू वन बाय वन। सब एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। ओ जानवी खिलाती है, वेरी गुड, सुहानी भी खिलाती है, वेरी गुड सुहानी जानवी, हमको गाय माता को चपाती खिलाना चाहिए। ठीक है, तो पूजिता का क्वेश्चन पहले लेंगे हम। पूजिता यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। पूजिता अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, आई थिंक पूजिता का क्वेश्चन नहीं है, तो हम किसी और का क्वेश्चन लेते हैं। यस पूजिता अनम्यूट योर सेल्फ, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। किसी का कुछ प्रश्न है प्लीज रेज योर हैंड, कोई डाउट है? और मुझे आशा कि सारे बच्चों गिफ्ट मिल गए होंगे, जो बच्चे विनर थे जन्माष्टमी में उनके गिफ्ट हमने पोस्ट कर दिए हैं, और राधाष्टमी का रिजल्ट हम शाम को बता दें, उनको सब सर्टिफिकेट मिलेंगे। ओके सबको, ओके, लगता है पूजिता का क्वेश्चन नहीं है, तो पूजिता अनम्यूट योर सेल्फ, अपने आपको अनम्यूट करो। यस जल्दी बोलो बेटा। ओके आई थिंक शी हैज वन नेटवर्क, सम नेटवर्क इश्यू। माता जी यू आर नॉट ऑडिबल, पूजिता यू आर नॉट ऑडिबल, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन हियर। No, your voice is breaking. So what you do, you send me a question in the chat box. But now I can see you, but your voice is breaking. Okay, now speak. I think now it's better. Still, I'm not able to hear you. Unmute yourself first.
ओके पूजिता, सो यू व्हाट्सएप मी योर क्वेश्चन, ओके, यू सेंड मी वॉइस मैसेज, आई थिंक इट्स बेटर. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइन टुडे सेशन. वंस अगेन मैं आपको बोलूंगी, ये क्लास हर संडे होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव सब ज्वाइन कर सकते हैं, आपके फ्रेंड ज्वाइन कर सकते हैं, सबको शेयर कीजिए क्लास. ओके, एंड यू कैन स्पीक इन हिंदी, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. एंड आफ्टर द क्लास आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज क्लास. ओके, सो यू कैन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड और फैमिली. ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. आज सारे बाद बच्चे बहुत कम थे, तो शायद बच्चे काफी दिन से आए नहीं, इसलिए वो सब मिस किए क्लास. सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी? यस माता जी. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिदेश. कुछ बच्चे तो परमानेंटली हमेशा संडे आते हैं, एक भी एब्सेंट नहीं करते हैं. वेरी गुड, रेगुलर हैं कुछ बच्चे. वेरी गुड. ओके बाय बाय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. और हम गेम नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है गेम का. We will do game in our next class, okay? Hare Krishna.